सुरक्षा के लिए क्या मांग करेंगे? अब इसको मारिए देगा तो कोई कुछ होगा, जिसका उम्मीद था वो तो चला गया, अब इसको मारिए देगा तो लोग तो उठा के फेंकिए देगा। इस तरह के अपराधी को सरकार सजा देगी तो क्या ये आगे चल के इस तरह का घटना होगा? अपराधी को सजा मिल जाता तो अभी तक ये घटना होता थोड़े, क्योंकि 2019 में जिस तरह से 2019 में घटना हुआ उसका कोई सजा नहीं मिला, सुरक्षा का मांग किए थे विमल यादव, सुरक्षा का मांग किया गया था, सुरक्षा का मांग किए हैं बाल बच्चे का, उन बाल बच्चे कहाँ रखेंगे हम, कैसे रखेंगे, ये भी हमको भय लग रहा है। विमल यादव ने ये पुलिस को बताया था कि उनकी जान को भी खतरा है किसी से? जी हाँ बताए थे पुलिस को, 4-5 रोज पहले वो कह चुके थे कि देखिए हमारे ऊपर खतरा लग रहा है, आपको हमारा आप हमको सुरक्षा बल दीजिए डेरा पर। हम लोग नहीं देखे थे, वो कौन बुलाया उसको? नहीं देखे थे, सुतले थे, सत्संग हो रहा था, हम उठ के घूम फिर रहे थे, इसके बाद हम जाके सोने के लिए गए तो सोए हुए थे, तो सुबह की 5 बज रही थी, बोले कि पप्पू भैया दरवाजा खोलिए, सुबह हो गई, उधर से गए खोलने के लिए, हम गए टिफिन बनाने के लिए, दोनों की स्कूल भेजने के लिए, इसी में फटा के बाद गोली का आया, 3 जैसे खोला कि कलेजे पे ठोक दिया, वो अथी पहने हुआ था, नकाब पहने हुए था, हाँ वो सब पहचान नहीं। अच्छा कितने लोग थे लमसम? अकेले थे वो, हम लोग देख नहीं, क्या नाम हुआ आपका? लेकिन आवाज सुने थे कि आपका क्या नाम हुआ? पूजा कुमार। आप कौन विमल जी की पत्नी? घटना की सूचना मिलने पर रानीगंज थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए शव को सदर अस्पताल अररिया भेजा गया। FSL और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर जांच बुलाकर कराया गया है। घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में परिजनों के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019 में मृतक विमल यादव के छोटे भाई गब्बू यादव की भी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में दर्ज कांड में साक्षियों की गवाही चल रही थी, जिसमें मृतक विमल यादव भी गवाह थे, जिनकी गवाही होनी शेष थी। अभी तक के अनुसंधान से प्रथम दृष्टया उक्त पुरानी रंजिश के कारण ही अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाना प्रतीत हो रहा है। इसके अतिरिक्त हत्या के अन्य सभी संभावित बिंदुओं पर जांच और अनुसंधान किया जा रहा है।